इसको हम कहते हैं आई पॉपिंग, और ये पाकिस्तान का वाइल्ड टैलेंट है जो ये कर सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम मौजूद है। वो शूट स्टार्ट हुआ तो 1 मिनट 15 सेकंड पे ना तकरीबन मेरा ये वाला आई बॉल वापसी को जा रहा था, तो वो पक्की पक्की बाहर आ गई। नहीं, मैंने वायरिंग कराई है ना जरा पानी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद, और आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा अनोखा नौजवान मौजूद है जिसके टैलेंट को आप देखेंगे तो आप हैरान परेशान और दंग रह जाएंगे। मेरे पास बातें मतलब मैं बता नहीं पा रही हूं कि कैसा टैलेंट है इनका। जो टैलेंट है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। ज़्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ और मेरी जो ऑडियंस है उनको दिखाओ कि आपके पास कौन सा टैलेंट मौजूद है जो वो देख के ना आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। जी ठीक है, ये देखते हैं। दिल थाम के बैठना है आप लोगों ने। पंजाबी में मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था कि ये थोड़ी सी आंखें निकाल लेते थे बाहर, तो उन्होंने तो पूरी उठा के बाहर निकाल दी। अल्लाह, आपको नज़र सही आ रहा है? हाँ जी सही आ रहा है। मैं मतलब ऐसे करके नज़र तो नहीं आ रही। नहीं, नहीं। पंजाबी में हम इनको कहते हैं डेले, आपने तो सारे डेले निकाल के बाहर रख। ऐसी डर नहीं लगता है मतलब कि आंखें खराब हो जाएंगी? नहीं नहीं, इसका मेडिकल रिपोर्ट्स है ना सारी के, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं करके देखूं? नहीं, ट्राई करती हूँ ना, बाप के साथ बैठी हूँ, मुझे वैसी वैसी चीजें करने का शौक। अब आपका आई बोल जो है ना बोन के अंदर यूं बिल्कुल फिक्स है। मेरी वो बोन भी यहाँ से थोड़ी सी वो स्पेस है उसमें, और दूसरा ना मेरी जगह भी थोड़ी सॉफ्ट है इसलिए। गॉड गिफ्टेड है या आपने खुद कोई बोन्स वगैरह को साइड सूट पे कर दिए? नहीं, हो जाते हैं सारे, कर लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चा होता है 10 से 11 साल का तो वो कहता है मैं भी डांस कर सकता हूँ, जो सिंगर होते हैं वो कहते हैं मैं इतनी सुरें लगा सकता हूँ, मतलब इस तरह के उनको अपने अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं तो भाई आंखें निकाल सकता हूँ, जो कि मोस्टली पेरेंट्स हमें निकालते हैं जब उनको गलत बात करते हैं? वो जी टॉम एंड जेरी से ही पता चला था जी। अच्छा, कितनी साल की उम्र? यही कोई 9-10 साल का हूँ। वो ना जेरी ने ना वो टॉम को कोई बैट से हिट किया था तो उसकी आई बॉल जो थी ना वो बाहर आके वापस गई, तो वो मैं देख रहा था बच्चा था, मैंने भी शैतानी हरकत की, मैंने अपनी फिंगर टच की तो मेरी भी बाहर आ गई। मुझे तो कह रहे हैं कि बाहर आ जाएगी, तो खुद आपने ऐसी ट्राई कर? उस टाइम अकल कोई नहीं सी ना मैंने। अब आ गई है? अब आ गई है। अच्छा टॉम एंड जेरी को देख के आंखें तो निकाल ली, जब आंखें बाहर निकल आई इनका अम्मी आंखें निकल आई मेरी, ये क्या? नहीं अम्मी उम्मी नहीं, मैं बल्कि नसिया सा कमरे मैं भागा हूँ, क्योंकि मैंने कहा घर वालों से भी कुट पड़ेगी, ये क्या नया चंद चढ़ा दिया। खैर चीखें तो मेरी खुद की भी निकल आई थी उस टाइम वो, लेकिन जब ये वापस चली गई फिर मैं दोबारा ट्राई किया कमरे में, वो जब दोबारा ट्राई किया सुकून नहीं आया। हाँ ना, वो फिर मैं कहा ये पंगा क्या हुआ। चीखें तो खुद की भी निकली थी, लेकिन वो जब मैंने दोबारा ट्राई किया तो वो मैं जब छोड़ता था ना उसको फोर्स लगाना तो वो खुद ही वापस चली जाती थी, फिर वो फर्जी बन गया। जिस तरह आपको पहली दफ़ा करके सुकून नहीं ना आया था, जी इस तरह मुझे एक दफ़ा देख के सुकून नहीं आ रहा है, तो मुझे एक दफ़ा स्लो मोशन में ना करके दिखाएं। ठीक ये कितनी देर तक आप ऐसे कर सकते हैं? ये तकरीबन कोई 3.5 या 4.5 मिनट। 3.5-4 मिनट तक कैसे कर सकते हैं? पक्की पक्की बाहर आ गई। नहीं, मैंने वायरिंग कराई है ना जरा के पानी। मुझे ये बताएं जब आपके घर में आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, तो हमारे मतलब इकरा ये करके दिखाओ तो आपको ये कहते हैं कि अहमद आंखें निकाल के दिखाना जरा? नहीं, वो जिसका कोई बच्चा ना सो रहा हो ना वो फिर कहते हैं कि सो जाओ, नहीं तो अहमद को बुला लेंगे। बच्चा बेचारा सो जाए? हाँ वो सो जाता है फौरन। वैसे जिस तरह से इनका टैलेंट है मुझे लगता है इनकी जो मतलब गर्लफ्रेंड होगी बेगम होगी तो वो कहेगी मुझे दिल दिखाओ, ये तो दिल ऐसे बाहर निकाल के दिखाएंगे ये बेगम दिल। नहीं, वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दिल को दिल से राह होती है, गुब्बारा फटे तो ठा होती है। शरारती है बच्चा। अच्छा लड़के जो होते हैं ना वो गिफ्ट्स वगैरह दे के लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं, तो आप उसने कभी किसी लड़की को इस तरह इम्प्रेस किया कि मैं ये देखो कैसे आंखें निकाल लेते? नहीं जी, मैंने किसी को गिफ्ट दे के इम्प्रेस नहीं किया, सीधा दिल ही दिया और ब्याह कर लिया, बात खत्म। शादी हो गई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको आंखें निकाल के दिखाते? वो मुझे इनडायरेक्टली आंखें दिखा रही थी भाई, उस टाइम पर हमारी क्या बनती है, ख्वाहिश ये हमारी की हमारी भी हम भी आंखें दिखा दें आगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम मौजूद है, उन्होंने आपसे रब्ता किया था या आपने उनसे रब्ता किया, कैसे बात बनी? ये हुआ ऐसे था कि एक वो न्यूज़ चैनल वाले थे, उन्होंने मुझे रीच किया, तो उनसे मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू की सिर्फ बात थी, तो उन्होंने फिर मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आपका मतलब क्या आगे ख्वाहिश है, मैंने कहा मेरी यही ख्वाहिश है कि मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है,
पाकिस्तानी फिल्मा करा गए ना मैंने, जो कुछ कर सकते हो तो कर दो। उन्होंने आगे मेरा अप्लाई किया, फिर मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हुई, सारा कुछ वो कर करा के ना, तो फिर मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। उन्होंने तो मुझे ना तकरीबन पहले उन्होंने मुझे एक मिनट का कहा था, फिर उन्होंने मुझे ना डेढ़ मिनट की बात की थी कि आपने ना डेढ़ मिनट आंखें निकाल ली हैं। शैतान है, वो भी कह रहे थे कि करते जाओ करते। नहीं, वो कह रहे थे कि ये ना हो ना कि जिसका पहले हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वही घुम घुमा के साडा फिर तोड़ देवे, साडे पले की रह गया। जब मौके पे उन्होंने वो टाइमर लगाना था सेट करके सब कुछ, मतलब मेरा शूट जो मतलब जो गिनीज का ऑफिशियल होता है उस पर करना था, तो मेरी उस टाइम निकले ना 45 सेकंड से ज़्यादा। फिर वो मैंने अपने पाजी डर गई तो शूट स्टार्ट हुआ तो 1 मिनट 15 सेकंड पे ना तकरीबन मेरा ये वाला आई बॉल वापसी को जा रहा था, तो वो उस टाइम जान भी साथ जा रही थी फिर कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब वो डेढ़ मिनट मेरा पूरा हो गया फिर मैं कहूँ जान दो, फिर जिथे तीकर जान दिया क्योंकि रिपोर्ट्स थी मेरे पास कि ये कोई नुकसान देनी है, तो फिर वो तकरीबन 4.5 मिनट गया था, तो मैं कहा ओके। और घोड़े ने मेरी टेबल भी तोड़ दी थी उस दिन, टेबल पर चढ़ गया था, खैर रोला डालता एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। नहीं, उन्होंने अपनी बेटी का मेरे से पूछा था कि अगर मेरी बेटी ब्याह करना चाहे आप करेंगे, मैं कहा मसला ही कोई नहीं, मतलब ओके है, कर लेंगे मुझे कौन सा कोई दुखती है, लेकिन आप जरा ना ये सियासी बयान हो जाएगा आप मेरी शादी। अच्छा, अब हम सपोज करते हैं कि मैं हूँ जेरी और आप है टॉम और मैंने आपको रख के मारा, ऐसे मारते हैं पीछे से मारता है तब वो, तो आंखें आपकी बाहर आएंगी और फिर मैं देखना चाहती हूँ इनका जो बटन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे अंदर करेंगे बाहर करेंगे, अंदर करेंगे बाहर करेंगे, लेकिन चलें आपके लिए कर लेता हूँ मैं, कोई मसला नहीं करें। जल्दी करना, टिक की आवाज भी आती है पता है। अच्छा, जरूरी है ऊपर से ऐसे करना है या इधर से भी कर सकते हैं ऐसे? मुझे ना आपके इरादे नहीं सही लग रहे, आप बटन चेंज करा रही हैं, कभी आप गोरी की बात कर रही हैं, मुझे नहीं समझ लग रही आप क्या करना चाह रही हैं। दूसरे लफ्जों में आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने टाइम दिया। जी, ऑलवेज वेलकम। जिनका टैलेंट है इसको हम कहते हैं आई पॉपिंग, जो पिज्जा पे होती है टॉपिंग वो नहीं, इसको हम कहते हैं आई पॉपिंग और ये पाकिस्तान का वाइड टैलेंट है जो ये कर सकता है। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कैसा लगा मेरे से बात करके? बहुत अच्छा लगा जी। गुस्से से तो ना दे, नहीं गुस्से आंखें क्यों फाड़ रहे देख ले मेरा बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपने वीडियो देखी, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे आंखें निकालते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी कि नई वीडियो में, मुझे दें तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अब अंदर कर लें ये ले ली अल्लाह।